स्टूडियो में हमारे साथ तो यहाँ पर कमेंटेटर बूथ में बैठे हुए हैं भाई मिलिंद गुंजन जी, स्टूडियो में हमारे भाई अधर जलील जी हैं वहाँ पर, और प्रसारण के संयोजन करता है मोहम्मद सरशार अहमद। हमारे कंट्रोल रूम में यानी कि नियंत्रण कक्ष में बैठे हुए हैं भाई अखिल कुमार दास जी, मोहम्मद रफी अहमद खान, अजय कुमार सरकार जी, और साथ ही साथ हमारे प्रसारण केंद्र में बैठे हुए हैं भाई शंभुनाथ जी और भाई साहिब जान जी। ये हमारी टीम है जो आप तक छठ पर्व के इस प्रातःकालीन अर्घ के आंखों देखा हाल को पहुंचाने जा रही है और उसके लिए प्रयास कर रही है कि आप तक सुचारू रूप से और सुगमता पूर्वक ये पूरा का पूरा छठ का प्रसारण प्रातःकालीन अर्घ का यहां पर पहुंचे, आप तक पहुंच सके। बरारी घाट में जहां पर हम उपस्थित हैं अभी पूरा अंधकार छाया हुआ है, माने अंधकार की सीमा कुछ इस प्रकार से है कि सामने का पूरा परिदृश्य भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बरारी घाट के बारे में मैं थोड़ा सा स्थिति और चित्रण कर दे, बिहार का ये पूर्वी जिला होता है भागलपुर, और भागलपुर शहर के पूर्वी छोर पर है बरारी पुल घाट, जिसमें कि गंगा के ऊपर विक्रमशिला सेतु है जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया करती है, और भागलपुर शहर का विस्तार जो है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में है। पूरब में जहां मैं अभी पर खड़ा हूँ, जहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बटेश्वर नाथ का मंदिर है जो कि बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसी कोशिश में इसे स्थापित किया हुआ है। साथ ही साथ उससे मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन काल में जो तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, वो विक्रमशिला के अवशेष जो है यहाँ पर 35 किलोमीटर दूरी पूर्व में स्थित है। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर एनटीपीसी है, साथ ही साथ पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो पश्चिम दिशा में भागलपुर की सीमा जो है वो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बाबा अजगैबीनाथ धाम तक वो पहुँचती है, उससे 100 किलोमीटर आगे तक। और अजगैबीनाथ धाम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि विश्व प्रसिद्ध जो संसार का सबसे लंबा चलंत मेला होता है, जिसे आप श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं, कांवड़िया मेला के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा का जल लेकर बाबा अजगैबीनाथ धाम से इसकी शुरुआत होती है। अपने इतिहास और पुराणों पर हम तो माँ गंगा, आज जो छठ की कमेंट्री करने के लिए हम माँ गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, माँ गंगा जैसी की मान्यता है हमारी कि स्वर्ग से जो अवतारित हुई तो भगवान भोलेनाथ की जटा में उनके प्रबल तेज को समाहित किया गया और उसके बाद धरती पर उनको लाया गया, जहाँ से वो अपने प्रबल वेग के साथ बढ़ती